नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्योग विभाग स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ कर रहा मार्गदर्शन। शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की जल्द बहाली का दिया निर्देश। बिहार सिविल कोर्ट में बहाली के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन की उठी मांग। निकाय चुनाव में संशोधित नामांकन पत्र ही भरे उम्मीदवार। रोहित के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईएसआईसी ने 80 रिक्तियों पर इंटरव्यू के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी दिल्ली ने विभिन्न डिसिप्लिन में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के कुल मिलाकर 80 रिक्तियों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर सेक्शन की योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को MBBS के साथ संबंधित डिसिप्लिन में PG डिग्री या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 6 और 7 अक्टूबर 2022 तय की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जमुई का मिंटो टावर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है जमुई में स्थित मिंटो टावर। जमुई जिला मुख्यालय के पूर्व से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिद्धौर में मिंटो टावर है। यह टावर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। मिंटो टावर का निर्माण महाराजा रामेश्वर प्रसाद सिंह ने करवाया था। यह टावर लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की याद में बनवाया गया था, जो 10 फरवरी 1960 में यहाँ घूमने के लिए आए थे। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं। मिंटो टावर के समीप ही एक मंदिर भी है। गिद्धौर में बना मिंटो टावर का निर्माण चंदेल वंश के अंतिम राजा प्रताप सिंह के पिता महाराजा चंद्रचूर सिंह ने अंग्रेज शासक लॉर्ड मिंटो के सम्मान में करवाई थी। बिहार के युवा सीखेंगे बिजनेस का गुर। बिहार के युवाओं और छोटे व्यापारियों को बिजनेस का गुर सिखाने के लिए राजधानी पटना में IIM अहमदाबाद और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से लेवल नेक्स्ट प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद आनंद कुमार ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है कि जो बच्चे अपना स्वरोजगार खड़ा करना चाहते हैं, जो अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसके लिए IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर उन्हें मदद करेंगे। बता दें कि लेवल नेक्स्ट प्रोग्राम एक साल का कोर्स है जिसकी फीस काफ़ी कम रखी गई है और जो गरीब हैं उन्हें निःशुल्क सिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की जल्द बहाली का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। पहला ये कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरें, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की जल्द बहाली की जाए। दूसरा ये कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से कराएं, साथ ही छात्र छात्राओं के बीच इसका प्रचार प्रसार भी कराएं ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके। छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होने से राज्य के प्रजनन दर में सुधार आएगी। साथ ही अनुसूचित जाति या जनजाति अति पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। त्योहारों में बिहार की ओर रुख करने वाले बिहारियों के लिए अच्छी सूचना। दिवाली और छठ में बिहार की ओर रुख करने वाले बिहारवासियों के लिए अच्छी खबर है। त्योहारों के दौरान पूर्व मध्य रेल स्पेशल फेस्टिवल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन 18 से 28 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए दोनों शहरों के बीच रवाना की जाएगी। ट्रेन 1437 किलोमीटर का सफर करीब 25 घंटों के बीच में पूरा करेगी। बता दें कि सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 04076 अमृतसर से 18, 22 और 26 अक्टूबर को दोपहर 2:50 में रवाना की जाएगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 3:45 में पटना पहुंचेगी। पटना से रवाना होने वाली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 04075 पटना से 19, 23 और 27 अक्टूबर को रवाना की जाएगी। यह ट्रेन इन दिनों 5:45 में रवाना होगी और अमृतसर अगले दिन शाम 6 बजे पहुंचेगी। बिहार में जल्द ही होगी आयुष्मान भारत बिहार जन आरोग्य योजना की शुरुआत। बीते दिन आयुष्मान दिवस पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का वार्षिकोत्सव आयुष्मान दिवस
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आयुष्मान जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले कार्यक्रम के मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना के तहत अंतिम पायदान पर खड़े गरीब वंचित परिवारों को मुफ्त में इलाज की व्यवस्था करा पाए, यही कोशिश है। साथ ही अभी भी कई परिवार हैं जो इस योजना से छूटे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका नाम आयुष्मान भारत बिहार जन आरोग्य योजना होगा और इसका जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उद्योग विभाग स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ कर रहा मार्गदर्शन। बिहार सरकार स्टार्टअप 2022 के तहत बिहार के युवाओं को उद्योग व स्वरोजगार के लिए सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया है। इसमें युवा उद्यमी अपने आइडिया को क्रियान्वित करने के लिए 10 लाख तक की सहायता राशि बिहार सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उद्योग विभाग बिहार सरकार स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ मार्गदर्शन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इस नीति के तहत कानूनी सहायता देने के लिए कानूनी परामर्श की भी व्यवस्था की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप startup.indbih.com पर विजिट करें या फिर 1800-3456-214 पर कॉल कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर की। 6 जनवरी 1989 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मी दीपाली किशोर एक भारतीय गायिका हैं। वह इंडियन आइडियल 3 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। वह बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दी और फिल्म गोल का एक समूह गीत प्रस्तुत किया। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना आई लव यू गाया है। इस गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया था। उन्होंने इंडियन आइडियल सीजन 4 में मियांग चांग के साथ ऑडिशन और रूबरूस की। उन्होंने आभास जोशी के साथ डीडी नेशनल पर एक म्यूजिक शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी भी की है। सीबीआई ने एनएचआई पटना के जीएम को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। बीते दिन सीबीआई ने बिहार की राजधानी पटना में बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने बीते दिन एनएचआई के जीएम को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जीएम के साथ दो अन्य लोगों भी पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पटना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। मीडिया खबरों के अनुसार छापेमारी में अब तक 60 लाख रुपए मिलने की खबर है। दरअसल इनके खिलाफ नासिक स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों से माप पुस्तकों में हेरफेर और अन्य कामों में रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 8 जगहों पर तलाशी ली गई। अगले महीने से इस जिले में शुरू किया जाएगा गंगा जल का भंडारण। अगले महीने से इस जिले में भी शुरू किया जाएगा गंगा जल का भंडारण। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा अगले महीने गया में भी गंगा जल का भंडारण शुरू किया जाएगा। दरअसल जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बीते दिन ट्वीट कर बताया कि बिहार की पहली एवं अति महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत राजगीर में निर्मित जलाशयों में 2 MCM यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गंगा का भंडारण हो गया है। संजय कुमार झा ने बताया वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा अगले महीने गया में भी गंगा जल का भंडारण शुरू किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने किया डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 का आंसर की जारी कर दिया है। मालूम हो कि बिहार बोर्ड ने डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए 14 सितंबर से 20 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाया था, जिसके बाद इन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र की आंसर की जारी कर दी गई है। यह आंसर की आप बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर 24 सितंबर को शाम 5 बजे तक देख सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। साथ ही आप अपनी आंसर की डाउनलोड भी कर सकते हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के नाम 16 मेडल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चल रहे 6th East Zone शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन किया गया है। इस टूर्नामेंट में बिहार के कुल 16 खिलाड़ियों ने अपने राज्य के लिए मेडल प्राप्त किया है। 6th East Zone शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में आरएफसी ने सीनियर में ब्रॉन्ज, जूनियर में सिल्वर, यूथ में ब्रॉन्ज जीता है। ऋषिका राज ने एयर पिस्टल सीनियर में सिल्वर, जूनियर में गोल्ड, यूथ में गोल्ड, सब यूथ में गोल्ड, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ब्रॉन्ज, जूनियर में ब्रॉन्ज हासिल किया और इसी के साथ बिहार ने कुल 16 मेडल हासिल किया है।
निकाय चुनाव में संशोधित नामांकन पत्र ही भरे उम्मीदवार। बिहार में निकाय चुनाव के लिए नामांकन जारी है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों से एक अपील की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन करा रहे उम्मीदवारों से कहा है कि वो वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा संशोधित नामांकन पत्र का उपयोग करते हुए नामांकन दाखिल करें। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि संशोधित नामांकन पत्र आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.in के अभ्यर्थी कॉर्नर पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही संशोधित नामांकन पत्र सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय में भी उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगाया रोक। पटना शहर के वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित सुल्तान पैलेस, जो कि अभी परिवहन भवन के नाम से जाना जाता है, उसे तोड़ने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दिया है। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। दरअसल राज्य सरकार ने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया था, जिसे हाई कोर्ट ने चुनौती दी है। दरअसल यह भवन प्रख्यात वकील और न्यायाधीश सर सुल्तान अहमद का घर हुआ करता था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग 100 साल पुराना है। ऐसे भवन की देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जो सही नहीं है। इस पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। राज्यपाल दिल्ली एम्स में इलाजरत। गुरुवार की रात बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के IGIMS अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालांकि उनके तबीयत में फिर भी सुधार नहीं आया, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया। दरअसल राज्यपाल को उन्हें बुखार और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी। IGIMS में इलाज के बाद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सतर्कता बरतते हुए राज्यपाल को बीते दिन हवाई मार्ग से दिल्ली एम्स ले जाया गया। सोनू सूद ने आदर्श आनंद के लिए लिखी ये बात। हाल ही में एक कार्यक्रम में शिरकत करने बिहार दौरे पर आए सोनू सूद से आदर्श आनंद की मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इवेंट मैनेजर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद छोटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़े स्टेज तक सुर्खियां बटोर चुके आदर्श आनंद फ्रॉम भागलपुर के इस पोस्ट पर सोनू सूद ने रिप्लाई किया। सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि मैं आपसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन आदर्श आनंद भाई, आप बिहार के एक अच्छे कलाकार हो। कई बार कुछ कारणोंवश आपकी कला को मौका मिलने में समय लगता है, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं परिस्थिति होती है, लेकिन बहते पानी को क्या कभी कोई रोक सका है। अब देखिए ना, आपसे मिले बिना भी आपका संदेश मुझ तक पहुंच गया है। इसके लिए सभी कलाकारों से मेरी विनती है, लगे रहना, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। सोनू सूद आप सबके साथ हैं, मेरे साथ या मेरे बिना मंजिल आपको मिलेगी जरूर। बिहार सिविल कोर्ट में बहाली के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन की उठी मांग। हाल ही में निकली बिहार सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर बहाली का मामला फंस रहा है। निकाली गई इन वैकेंसीज में उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार को इसमें संशोधन करने की जरूरत है। दरअसल निकाली गई इन वैकेंसी में स्टेनोग्राफर पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा यानी बाईलिंगुअल अनिवार्य योग्यता रखी गई है। इस वजह से लाखों उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहीं त्रुटि सीमा 5% रखी गई है, जबकि पहले 15% थी। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा 3 तरह के पद के लिए 8-8 सौ रुपया के हिसाब से 2400 कहां से दे पाएंगे। चूंकि 2016 के बाद ये बहाली आई है, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 2016 के अनुसार ही होनी चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था। गांधी मैदान पटना में छात्रों की एक बैठक भी आयोजित हुई और सरकार से विज्ञापन में संशोधन की मांग की गई। डिप्टी सीएम आज पत्नी राजश्री के साथ पहुंचेंगे अपने पैतृक गांव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री आज अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे, यहां वो 2 दिनों तक रुकेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव यहां स्थित थावे मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि शादी के बाद तेजस्वी यादव और राजश्री पहली बार अपने पैतृक गांव फुलवरिया जा रहे हैं। इसको लेकर गांव को पूरी तरह से सजा दिया गया है। बता दें कि इसी गांव में लालू प्रसाद यादव से शादी के बाद राबड़ी देवी दुल्हन बनकर आई थी।
अमित शाह ने नीतीश कुमार को दी हिसाब बताने की चुनौती। बीते दिन हिमाचल दौरे के लिए पहुंचे अमित शाह का पूर्णिया में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, मैं अपने किए गए वादे का हिसाब लेकर आया हूं। अमित शाह ने कहा कि मुझे पता है कि नीतीश कुमार जी मेरा भाषण सुन रहे होंगे, मैं यहां किए गए वादों का हिसाब लेकर आया हूं। कहना चाहूंगा कि नीतीश जी, आप कलम लेकर बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हवाई अड्डे, पर्यटन, पेट्रोलियम और गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल, बिजली आदि क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने घोषणा से ज्यादा खर्च किया है। शाह पर तेजस्वी का पलटवार। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह की भाषा सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि वे ना नेता लग रहे थे और ना ही गृहमंत्री। तेजस्वी ने शाह की भाषा और भाव भंगिमा को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या वे बिहार में डराने आए हैं। उन्होंने अमित शाह पर कोई विशेष टिप्पणी करने से इनकार करते हुए इशारे में ही उन्हें गृहमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया है। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि आज अमित शाह न तो नेता लग रहे थे और ना ही वे गृहमंत्री प्रतीत हुए। अमित शाह के बिहार आगमन पर आरसीपी सिंह के नहीं रहे खुशी के ठिकाने। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर पूर्व जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बड़े ही खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को खूब मिर्ची लगाने की कोशिश की। दरअसल आरसीपी सिंह ने अमित शाह के बिहार आगमन पर एक ट्वीट किया, जिसमें उनकी खुशी देखी जा सकती थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, आपने जो आज पूर्णिया से शंखनाद किया है, वो भारतवर्ष और बिहार की जनता के लिए बहुत ही सुखद आगाज है। आरसीपी सिंह की इस ट्वीट के पीछे की खुशी महसूस की जा सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ। महिला अधिकारों की बुलंद आवाज भीकाजी कामा का जन्म 1861 में हुआ था। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक अवतार सिंह पैंटल का जन्म 1925 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साह का जन्म 1940 में हुआ। भूतपूर्व प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ का जन्म 1950 में हुआ। वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार पंकज पचौरी का जन्म 1963 में हुआ। भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बा राम का जन्म 1971 में हुआ। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री व मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना नृत्य की महान रोशनी के नाम से मशहूर पद्मिनी का निधन 2006 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने 2008 को एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की। देश के पहले चंद्रयान 1 ने 2009 में चांद की सतह पर पानी खोज निकाला। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कुनो नेशनल पार्क में काटे गए पेड़ों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के यात्रा व्यवस्था के लिए काटे गए पेड़ों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें पीआईबी ने कहा है कि फर्जी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 चीतों को छोड़ने के लिए लगभग 300 मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कुनो वन्य जीव अभयारण्य में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, जिसे पीआईबी ने फेक बताया है। पेड़ नहीं काटे गए। प्रधानमंत्री के ठहरने की व्यवस्था सेसाईपुरा FRH एंड टूरिज्म जंगल लॉज में की गई थी। गूगल में ऐसे हटाएं अपनी निजी जानकारी। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर गूगल ने एक नया प्राइवेसी फीचर शुरू किया है, जो कि किसी भी इंसान को उनकी निजी जानकारी वाले सर्च रिजल्ट को हटाने के लिए अनुरोध करने की अनुमति देगा। 9to5 गूगल रिपोर्ट के अनुसार गूगल का रिजल्ट अबाउट यू टूल, जिसकी घोषणा इस साल की शुरुआत में अपने वार्षिक डेवलपर सम्मेलन के दौरान की गई थी, अब कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध हो रहा है। इस नए फीचर के साथ यदि आपको अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर या गूगल सर्च पर कोई अन्य जानकारी है, तो रिजल्ट के शीर्ष दाएं कोने में दिखाई देने वाले 3 बिंदु वाले ओवरफ्लो मेनू पर क्लिक करें। मौजूदा अबाउट दिस रिजल्ट पैनल एक नए रिमूव रिजल्ट ऑप्शन के साथ खुलता है, जहां से आप अन्य प्रोसेस फॉलो कर निजी जानकारी को सर्च से हटाने की अपील गूगल से कर सकते हैं। रोहित के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर लिया है। 8-8 ओवरों के मुकाबले में भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा के बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 91 रनों के लक्ष्य को 4 गेंद रहते हासिल कर लिया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। बारिश की वजह से मैच करीब 1.5 घंटे की देरी से शुरू
शुरू हुआ और इसलिए मुकाबले के ओवरों में कटौती की गई और इसे 8-8 ओवरों का कर दिया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विश्वनाथ कामती, आकाश कुमार सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत सिंह, नुनू कुमार, शंकर मुखिया, राजकुमार, निकी, प्रमोद, सोनू कुमार, रोहित राज, के सिन्हा, सुजीत कुमार, अहमद रुश्दी और अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। सरकार की ये पहल युवाओं को रोजगार स्थापित करने में कितना मदद कर पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।